इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वायु और जल प्रदूषण के बारे में। यह विषय प्रगति की दिशा में पढ़ने वाले देश के लिए एक बड़ी समस्या है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। वायु प्रदूषण के विषय में हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके क्या हैं। जल प्रदूषण में हम देखेंगे कि जल प्रदूषण के क्या कारण होते हैं, और पेयजल यानी पोटेबल वाटर क्या होता है, और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके। चलिए देखते हैं वायु प्रदूषण क्या होता है। जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है जो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, तो इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। हवा की संरचना 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की छोटी मात्रा अक्रिय गैसों और पानी के भाप से होती है। वायु प्रदूषण को वायुमंडल में धुएं की बढ़ती मात्रा के रूप में भी देखा जा सकता है। वे पदार्थ जो वायु को दूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषित यानी पॉल्यूटेंट भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण के क्या कारण होते हैं। वायु प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों से भी आ सकते हैं, जैसे कि जंगल की आग या ज्वालामुखी से निकलने वाले धुआं और धूल। मानव निर्मित स्रोत जैसे बिजली संयंत्र, जिसे हम पावर प्लांट कहते हैं, ऑटोमोबाइल निकास या ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, और जलाओ लकड़ी और गोबर के केक को जलाने से जो धुआं निकलता है उससे भी वायु प्रदूषण हो सकता है। कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाहन से निकलने वाला धुएं से भी वायु प्रदूषण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता भी कम करता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है। स्मोक में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों या कोहरे के साथ मिलकर स्मोक बना देते हैं। स्मोक से बच्चों में अस्थमा, खांसी और गड़गड़ाहट जैसी सांस लेने में कठिनाइयां होती। चलिए वायु प्रदूषण के कुछ और महत्वपूर्ण कारण देखते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसीय प्रदूषकों का एक प्रमुख स्रोत है। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFCs हैं। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में किया जाता है। CFCs वायुमंडल के ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। सूर्य का विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में फंस जाता है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। इस प्रभाव के लिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ऐसे विकिरणों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिससे हिमखंड यानी आइसबर्ग और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। इससे जल निकायों के जल के स्तर में वृद्धि होती है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की कारण बनते हैं। वन की कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। हमें CNG या अनलेडेड पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। सूर्य ऊर्जा या पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग। नियमित रूप से हवा की गुणवत्ता के स्तर की निगरानी करना। वाहनों की प्रदूषण जांच नियमित रूप से की जानी चाहिए। पटाखे जलाने से हमें बचना चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा था वायु प्रदूषण, उसके कारण और उसे नियंत्रित करने के तरीके। अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण। जब हानिकारक पदार्थ जैसे मल, जहरीले रसायन, गैस आदि पानी के साथ मिल जाते हैं तो पानी प्रदूषित हो जाता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को जल प्रदूषक कहा जाता है। चलिए देखते हैं जल प्रदूषण किन कारणों से होता है। पानी में कचरा और प्लास्टिक की डंपिंग, फैक्ट्रियों द्वारा हानिकारक रसायनों को नदियां और झील में बहा देना,
नदी में नहाने और कपड़े धोने जैसी घरेलू गतिविधियों के कारण होता है। कीटनाशक और कीटनाशक जैसे रसायन मिट्टी और भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं, इनकी वजह से भी जल प्रदूषण होता है। चलिए देखते हैं पेयजल या पोर्टेबल वाटर क्या होता है। जो पानी पीने के लिए उपयुक्त है उसे पेयजल कहा जाता है। प्रदूषित पानी को पहले रसायनों के साथ व्यवहार किया जाता है और घरों में भेजने से पहले नगर पालिका नियमों द्वारा शुद्ध किया जाता है। यह पानी पीने के लिए उपयुक्त है और इसमें कोई हानिकारक प्रदूषक नहीं होते हैं। पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है? अशुद्धियों को अलग करने के लिए फिल्टर का उपयोग करना। पानी को उबालने से हानिकारक कीटाणु मारे जाते हैं और पानी पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन आत्म तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका है। यह पानी में क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर डाल के किया जाता है। हमें सावधानी रखनी चाहिए कि निर्दिष्ट से अधिक क्लोरीन गोलियों का उपयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि यह हानिकारक होता है सेहत के लिए। अब हम देखेंगे कि जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयों के लिए कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषित पानी को सीधा नदियों या झील में नहीं छोड़ा जाए। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में उपचार संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्तर पर हमें सचेत रूप से पानी बचाना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल फॉलो करना चाहिए। चलिए अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उसे एक बार संक्षेप में देखते हैं। वायु प्रदूषण अशुद्धियों द्वारा वायु का संदूषण है जो जीवित जीवों और गैर गैर जीवित घटकों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। प्रदूषक हानिकारक पदार्थ होते हैं जो वायु को दूषित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड वायु के प्रमुख प्रदूषक हैं। अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है। हानिकारक पदार्थों द्वारा पानी को दूषित करना जल प्रदूषण कहलाता है। सीवेज, कृषि रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट जल के कुछ प्रमुख संदूषक हैं। पेयजल, पीने के लिए शुद्ध और फिट जल को पेयजल कहा जाता है। इस वीडियो के द्वारा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।